केदारनाथ विधानसभा सीट से दिवंगत नेता शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ सीट हॉट सीट बनती हुई दिख रही है। यह सीट सत्तारूढ़ दल और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के लिए मान सम्मान का प्रश्न बनकर उभर रहा है। वहीं केदारनाथ सीट पर महिला को टिकट देने पर भाजपा नेत्री लक्ष्मी अग्रवाल का कहना है कि केदारनाथ सीट पर पहले भी भाजपा की तरफ से महिला विधायक ही थी और आगे भी इस सीट पर महिला दावेदार सामने आ रही है। देखिए, जहां तक बात रही कांग्रेस की, मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो बातें कहने की और करने की ओर है। आज से पहले भी जो प्रियंका गांधी जी हैं, जो नेता हैं कांग्रेस की, उन्होंने एक नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और इसको उन्होंने, लेकिन वो चरितार्थ नहीं हुआ है। आज तक भी इतनी बार कांग्रेस की सरकारें रही हैं, लेकिन 33% आरक्षण महिलाओं का पास नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं ये उनकी मानसिकता दर्शाता है कि खाली महिलाओं को एक वोट बैंक की तरह वो इस्तेमाल करते हैं। जहां तक केदारनाथ की बात रही, तो वहां पे देखिए, आशा नौटियाल जी रही हैं हमारी, जो अभी हमारी जो बेचारी शैला रानी रावत जी हमारे बीच में आज नहीं है, वो रही हैं। और तमाम, हमने तो टिहरी से भी एक महिला को टिकट दिया, कांग्रेस बताए ना उन्होंने कितनी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, कितनी महिलाओं के उसमें किया। तो ये कहने की बात नहीं है, कांग्रेस के पास महिलाएं नहीं, और जो है कांग्रेस उनको सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करके महिलाओं को आगे बढ़ाने की कांग्रेस की मंशा कभी नहीं रही है। तो वहीं कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि केदारनाथ सीट में महिला पुरुष प्रत्याशी के विषय में अभी कांग्रेस नहीं सोच रही है, कांग्रेस सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट पर फोकस कर रही है। देखिए, बात महिला और पुरुष के लिए, बात चुनाव जीतने के, केदारनाथ चुनाव जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही भाजपा की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। कांग्रेस पार्टी से अभी ऐसी कोई महिला, मजबूत महिला जो चुनाव लड़ सके, ऐसा नाम हमारे पास नहीं आया। जो वहाँ पे पूर्व प्रत्याशी रहे मनोज रावत जी और बाकी लोग भी वहाँ पे चुनाव लड़, जो लोग दावेदारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि पार्टी अपना सर्वे कराएगी और जो सर्वे में सबसे मजबूत होगा उसको टिकट मिल जाएगा।